लेकिन आज कॉर्पोरेट डार में हम बात करेंगे कैपिटल गुड सेक्टर की। दरअसल बजट को लेकर इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, उसी के मद्देनजर हमने खास सेगमेंट शुरू किया है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज की विश लिस्ट क्या है। तो यहां से सीधे रुख करेंगे हमारे बजट स्पेशल सेगमेंट का, दिल चाहता है। और कैपिटल गुड सेक्टर का दिल क्या चाहता है, वित्त मंत्री क्या ऐलान करें, ये समझेंगे। हमारे साथ थर्मैक्स के एमडी और सीईओ एमएस उन्नीकृष्णन मौजूद हैं, मेरे सहयोगी संदीप भी मौजूद हैं, जो रिसर्च करके लाए हैं कि कैपिटल गुड सेक्टर की विश लिस्ट इस बार के बजट को लेकर क्या है। पहले संदीप से विश लिस्ट पूछ लेते हैं, उसके बाद मिस्टर उन्नीकृष्णन से बातचीत करेंगे। बताइए संदीप। देखिए दीपाली, अगर कैपिटल गुड स्पेस की आप बात करें तो डायरेक्टली कुछ ऐसा है नहीं कि जो सेक्टर मांग करे, लेकिन हाँ इनका पूरा जो दारमदार रहता है इनकी मांग का या इनके जो सेल्स है वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार का ऑलरेडी काफ़ी बड़ा पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के लिए, और इंफ्रा के अलावा ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर और ऑटो, अगर आप इनको शामिल कर रहे हैं तो इनकी जो टोटल डिमांड है उसका हिस्सा अगर आप देखें यहीं से आता है। बीता बजट अगर आप देखें तो करीब 3.96 लाख करोड़ रुपये का आवंटन इंफ्रा स्पेस पर सरकार की ओर से आया था। अगर आप 10% का भी इंक्रीज मान के चलें तो करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन इस बार इंफ्रास्पेस के लिए हो सकता है, ऐसा ही इंडस्ट्री मान के चलती है। क्योंकि अगर यहाँ पे फोकस बढ़ेगा तो इसमें आप रोड्स भी देख लेंगे, रेलवेज भी देख लेंगे, शिपिंग भी देख लेंगे, तो इससे होगा क्या, पब्लिक जो सरकार का खर्चा वो तो बढ़ ही रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो निजी केपैक्स है, जो निजी खर्च है, उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। और यही वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कैपिटल गुड्स का सबसे ज़्यादा आय का हिस्सा आता है। तो अगर इंफ्रा पे खर्च बढ़ता है, फोकस बढ़ता है सरकार का, तो ये कैपिटल गुड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और इंफ्रा पे खर्च बढ़ाने की मांग ही है जो कि इंडस्ट्री सबसे पहले करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें जो किसान है, जो ग्रामीण तबका है, वहाँ पे आय बढ़ाने की बात है। हाउसिंग फॉर ऑल की अगर आप बात करें, यहाँ पे भी इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार की ओर से जो फोकस है वो बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे फोकस बढ़ेगा तो एक तो सीमेंट, दूसरा स्टील और तीसरा पावर, ये तीन ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे कैपिटल गुड्स की आय का बड़ा हिस्सा आता है, तो यहाँ पे भी फोकस बढ़ना चाहिए। रोड्स, हाईवेज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके ऊपर भी आवंटन बढ़ने की मांग इंडस्ट्री की ओर से आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है फिर जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी ओर से कैपिटल गुड्स की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। तो JL&T, BEML, वोल्टास, एस जैसी जो कंपनीज हैं वो इसी चीज़ के ऊपर अपने जो बिजनेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस रखती हैं। अब अगर आप अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो सरकार की एक योजना है अमृत योजना, उसके ऊपर करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन था पिछले साल में, वो इंडस्ट्री चाहती है बढ़कर उसमें भी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के आवंटन आए। तो जो वाटर सीवेज मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं जिसमें आप वाटर विभाग देखिए, वोल्टास देखिए, इनके जो बिजनेसेस हैं, ऑर्डर बुक है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। स्मार्ट सिटी से भी इस स्पेस का बड़ा ऑर्डर इन्फ्लो आता है, वहाँ पे अगर ऑर्डर इन्फ्लो या तो फिर जो आवंटन बढ़ता है तो फिर जो ट्रांसमिशन, जो केबल स्पेस वाली कंपनीज हैं जिसमें आप कल्पतरू पावर, केसी इंटरनेशनल को भी शामिल कर लीजिए, इनका दारमदार पूरा स्मार्ट सिटी जो और ये ट्रांसमिशन केबल्स के ऊपर ही है। और इसके अलावा कुछ अगर इंडस्ट्री में अगर आप इम्पोर्ट की बात करें तो बड़ा तबका कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट भी होता है, तो इंडस्ट्री चाहती है कि बॉयलर जनरेटर खासतौर पर जिसपे कस्टम ड्यूटी अभी 7.5 से 10% के आसपास की है, घरेलू इंडस्ट्री को आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे लीजिए, उसके लिए जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दीजिए। तो थर्मैक्स हुई, BHEL हुई, LNT जैसी कंपनी जो कि बॉयलर टर्बाइन जनरेटर्स बनाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो विश लिस्ट लंबी चौड़ी है कैपिटल गुड सेक्टर की, आप देख रहे हो कि विश लिस्ट में कौन कौन सी विशेष पूरी होती है, लेकिन थर्मैक्स का भी व्यू ले लेते हैं। मिस्टर उन्नीकृष्णन हमारे साथ मौजूद भी है, गुड आफ्टरनून सर, आप बताइए आपकी टॉप 3 विश लिस्ट क्या है वित्त मंत्री से। इसका मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का कुछ एरिया में ऑर्डरिंग हो रहा है और कुछ एरिया में मूवमेंट कम है और कुछ एरिया में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो पहले अंक में ऐसा है जो कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री है जिसमें कोई सरकार के साथ ताल्लुक नहीं रहता है, जैसा कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, बिवरेजेस, अल्कोहल, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइट इंजीनियरिंग, ये सभी इंडस्ट्रियों का इन्वेस्टमेंट चालू है और जोर से चालू है। जो पिछले साल में हो रहा था उससे भी अच्छा लेवल पे इंक्वायरीज आज का दिन में मार्केट में है, तो उधर ऑर्डर फाइनलाइजेशन हो रहे हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये प्रोजेक्ट्स का साइज तकरीबन 100 कोटी से 500 कोटी यानी तो 1000 कोटी के ऊपर तो नहीं हो ही सकता है, तो उसमें हमारे जैसा कंपनी को जो ऑर्डर्स आता है उसका वैल्यू रहेगा 50 लाख, 1 कोटी, 2 कोटी, 5 कोटी, तो दैट इज अ फर्स्ट सेक्टर। सेकंड जो है अभी रिफाइनरी का, भारत 6 के लिए रिफाइनरी का एक्सपेंशन जो होने का था उसका ऑर्डरिंग हो रहे,
मेरा ख्याल से इस साल में पूरा खत्म हो जाएगा, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की जो एनर्जी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है उसका ऑर्डरिंग चालू है। स्टील का एक आधा कंपनी का, जैसे कि एक महाराष्ट्र बेस्ड सबसे बड़ा ग्रुप है और दूसरा ईस्टर्न साइड में टाटा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है, ये दोनों चालू है, पर उसके अलावा कोई नए स्टील प्लान का अभी तो इंक्वायरी मार्केट पे नहीं है। तो सेकेंड सेक्टर हो गया। तीसरा है आपका पावर सेक्टर, उसमें रिन्यूएबल्स मतलब यू नो विंड और सोलार छोड़ के थर्मल पावर प्लान का ऑर्डरिंग बहुत धीमी चल रहा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल निल है। तो इसलिए अंक एक है जिसमें ऑर्डर्स चालू है बट छोटे ऑर्डर से, अंक दो है जिसमें सेलेक्टिव बेसिस में चालू है, तीसरा अंक जो पावर एरिया है उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। दैट इज ओवरऑल टेक ऑन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। अच्छा, एक चीज आप बताइए सर, जब पिछली बार बजट के बाद आपसे बातचीत हुई तो आपने कहा था कि इस बार की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि सरकार ने टैक्स बेनिफिट दिए हैं एमएसएमई सेक्टर को, तो एक चीज बताइए आपका कितना एक्सपोजर है एमएसएमई सेगमेंट में, क्या आपको ऑर्डर्स मिले इस रिस्पेक्टिव सेगमेंट से? साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में इंडिया जैसा ही है, इन्वेस्टमेंट चालू है और पिछले साल से बढ़ावा है इंक्वायरी का लेवल पे, पर उधर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो अभी नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जो धीमी धार दो तीन साल के लिए जो तेल की भाव $25 तक आप पहुंचे थे, पर आज का दिन में $60 के ऊपर जब वैल्यू पहुंच गया पर बैरल का, नए नए प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन चालू है, बजटरी लेवल पे इंक्वायरीज भी आना चालू हो गया, ऑर्डरिंग मेरे ख्याल से और एक साल दूर पे है। और अफ्रीकन मार्केट में से जो तरीके से पहले चलते आया है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे को नजर आ रहा है, क्योंकि पहले वो पूरा ऑर्डर जो भी अफ्रीका से आता था उसमें से सबसे ज्यादा चाइना के तरफ जा रहा था, बट आज का दिन में जापानीज यूरोपियंस और इंडियंस को भी ओपनिंग चालू हो गया है, बट उधर कुछ क्रेडिट का अभाव है, जो कंट्री क्रेडिट दे पाता है उनको ऑर्डर भी आना चालू हो गया है। सो दैट्स अबाउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Both Europe and America companies like us are not participating as much, but mera khayal se there is a higher level of stability in America and in Europe. Jo Hindustan ka companyam ye dono continent mein shamil hai business mein, unka mera khayal se acha order intake bhi hone ka sambhavana hai. ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने तो बहुत सारे बजट देखे हैं, बहुत सारे वित्त मंत्री को सुना है, लेकिन इस बार सेंटिमेंट्स हैं कैसे इंडस्ट्री में बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये साल क्योंकि आम चुनावों का भी साल है तो शायद बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट बजट रहे रिफॉर्मिस्ट बजट के बजाय, आपका व्यू क्या है? मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसके बारे में, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स एक आइटम है और इसको एक साल में कंट्रोल में लेके आना उतना आसान की बात नहीं है। देखो, इंडस्ट्री वाला तो कंप्लेन करने वाला है, हम भी उसमें शामिल है, बट जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हिंदुस्तान में प्रिवेलेंट था, जैसे कि सेल्स टैक्स अलग, एक्साइज ड्यूटी अलग, ऑक्ट्रोई अलग, और इतने 26 स्टेट की रजिस्ट्रेशन अलग अलग का इकट्ठा करके एक नेशनल सिस्टम सिंगल लाइन पे जो लेके आया है, काम अच्छा हो गया है। और इसके लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्होंने प्लान किया था वो अच्छा था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन के वक्त में कुछ गड़बड़ हो गया था, बट वो भी उन्होंने बहुत कंसेशन दे दिए इंडस्ट्री को, जैसे कि क्रेडिट लेने के लिए महीने में एक ही रिटर्न्स देने का उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा किया, और बहुत सारे आइटम का जो परसेंटेज जीएसटी गलत हो गया था उसको करेक्शन भी कर दिया उन्होंने। तो मैं सरकार को बहुत अच्छे तालियां देता है कि उन्होंने जो तरीके से जीएसटी को अभी तक इम्प्लीमेंट कर दिया है, अभी आगे जाके इसको ऑनलाइन करने के लिए हम सबको इकट्ठा मिलके काम करना पड़ेगा, अगर होगा मेरे ख्याल से अगले एक साल में ये स्टेबलाइज भी हो जाएगा। दो साल में इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऐसा स्मूथ करके लेके आना, मतलब एक मेरा ख्याल से पूरा दुनिया में पहली बार का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन द राइट साइड, और हमने ये भी सुन रहे सरकार से कि जीएसटी कलेक्शन शायद 1,00,000 करोड़ के ऊपर पहुंचने वाला है अगले 2 या 3 महीने में, तो उन लोग ये भी सोच रहे कि जो जो आइटम 28% का जीएसटी में है उनमें से कुछ आइटम लग्जरी आइटम छोड़ के 18 तक लेके आने का सरकार का संभावना और उम्मीद है, तो हम उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये आगे का प्रोग्राम के बारे में भी।
चलिए शुक्रिया सर, आपने बातचीत की जी बिजनेस से और बजट को लेकर अपनी मांग अपने व्यूज शेयर किए। अब देखना होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे से कैपिटल गुड सेक्टर के लिए क्या निकलता है। तो इंडस्ट्री का व्यू तो आपने सुना, लेकिन इस बजट में आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नौकरी पेशा लोगों से बातचीत की।